सबसे पहले आपका लाइव न्यूज नाउ चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैडम आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम सीमा चौहान है। मैं बीसीए हाई स्कूल में प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत हूँ। यह स्कूल पिंदाया का जेडीए कॉलोनी में स्थित है। मैडम इस विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? इस विद्यालय की स्थापना 2023-25 मार्च से हुई थी। शुरू हुआ स्कूल। मैडम जब शुरू हुआ उस समय बच्चे आए तो उस समय के बच्चों में और इस समय जो नए सेशन चल रहे हैं इसमें जो बच्चे हैं इसमें कितना अंतर आया है बच्चों की शिक्षा को लेकर के? हमने देखा है जब हमारे पास बच्चे आए थे तो पढ़ाई में बहुत ही वीक थे और हमारे स्टाफ की मेहनत और हमारे स्टाफ ने बहुत कठिन परिश्रम किया और अब बच्चों में पूरी तरह से उनका शिक्षा के क्षेत्र में विकास हुआ है। अभिभावकों से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है और भी यहाँ आसपास के लोग ऐसे हैं जो अब हमारे विद्यालय से जुड़ना चाहते हैं, अपने बच्चों को यहाँ कर एडमिशन करवाना चाहते हैं। हमने सुना है कि आप लोग एक्टिविटी के माध्यम से खेल कूद प्रतियोगिता के माध्यम से बच्चों को शिक्षा देने का कार्य करते हैं। हाँ जी, अभी तक हमारे विद्यालय में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हुई हैं। हमने हर जैसे बच्चों का हर कल्चरल प्रोग्राम हम यहाँ सेलिब्रेट किया जाता है ताकि बच्चों को उनके बारे में शिक्षा मिले, बच्चे उनसे कुछ सीखें। हमारे यहाँ खेल प्रतियोगिता भी हुई है, बच्चे जिसमें बहुत उत्साह से भाग लेते हैं जिससे बच्चों का फिजिकली और मेंटली हर तरह से विकास होता है। मैडम अभिभावकों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अभिभावकों के लिए यही संदेश है कि जिस तरह से हमारा स्टाफ मेहनत कर रहा है, हम मेहनत कर रहे हैं बच्चों के लिए, बच्चे मेहनत कर रहे हैं, तो वो भी हमें पूरी तरह से सहयोग करें और हमें हमारे विद्यालय और बच्चों के विकास में पूरी तरह से हमारा सपोर्ट करें। मैडम देखा जाए कि जब हमारे अभिभावक बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं उसके पीछे क्या कारण है कि जो अभिभावक बच्चे तो आते हैं लेकिन बच्चों के प्रति अभिभावक थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दे पाते? यही है, बच्चों का अभिभावकों का मानना होता है कि बच्चे विद्यालय में पूरी तरह से विद्यालय की रिस्पॉन्सिबिलिटी कर देते हैं, उनके विद्यालय ही पूरी तरह से उनको सिखाए कराए, लेकिन जितना अगर बच्चों पे हम थोड़ा सा अभिभावक भी ध्यान दें तो बच्चा पूरी तरह से अच्छे से विकास कर पाएगा, क्योंकि विद्यालय तो अपनी ड्यूटी करता ही है, बच्चों पर बहुत मेहनत करता है, उन्हें सिखाता है, लेकिन अभिभावकों की भी ड्यूटी होती है कि बच्चों को अपना समय दें, जो कि बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने लाइव न्यूज नाउ चैनल में समय दिया। सर मेरा नाम लालिता है, मैं बीसीए हाई स्कूल में पढ़ाती हूँ, मैं हिंदी का टीचर हूँ। मैडम जब आप आए, जिस समय आप आए उस समय बच्चों में क्या गतिविधि थी और आज के परिवेश में क्या स्थिति है? स्टार्टिंग में आई थी थोड़ा लेवल मतलब लो था, लेकिन आज इस मुकाम तक हैं कि बच्चे कुछ करते हैं, आंसर दे सकते हैं। मैडम अब तक जैसे बच्चों को हमने शिक्षा दिया तो क्या अभिभावक प्रभावित हैं? यस सर, अपनी मतलब हमारी मतलब इतनी मतलब अच्छी पढ़ाई हो रही है तो इससे प्रभावित हर पेरेंट मतलब सर्टिफाइड है कि है ना मतलब पढ़ाई अच्छी हो रही है। मैडम देखिए विद्यालय के साथ साथ अभिभावकों का भी ध्यान आकर्षित करना होना चाहिए बच्चों के प्रति, तो उसके लिए क्या कहना संदेश देना चाहेंगे आप? उसके लिए यही है कि हम मतलब जितनी भी मतलब मेहनत की है उससे भी कई गुना अच्छी और मेहनत करेंगे, मतलब अच्छी मेहनत की लेकिन इससे भी अच्छा और कई गुना अच्छी मेहनत करेंगे। जैसे हमारे बच्चे यहाँ से जाते हैं पढ़ के, यहाँ से शिक्षक आप लोग शिक्षा दे करके उनको भेजते हैं लेकिन अभिभावक ध्यान नहीं देते हैं बच्चों के ऊपर, तो अभिभावकों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? अभिभावकों के लिए यही है कि पहले मतलब बच्चों को देखो तो सही कितने स्तर पर किस स्कूल से कितना लेवल लेके बच्चा निकला है, ठीक है, तो उसका मतलब लेवल तो देखो, लेवल देखने के बाद में उसको आगे मतलब करेंगे कि है ना मतलब कहाँ पर मतलब वो है कि है ना ये कहाँ कमज़ोर है, कहाँ मतलब कौन से सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रही, कहाँ इनकी पढ़ाई कम हो रही है ज़्यादा हो रही है, उस पर ध्यान देंगे, जहाँ मतलब कमज़ोरी है ना उसको पकड़ेंगे कि बच्चा कहाँ से कमज़ोर है तो उसको मतलब थोड़ा ज़्यादा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। माय नेम इज कृष्णा सिंह राठौर। किस विद्यालय में पढ़ते हो? माय स्कूल नेम इज बीसीए हाई स्कूल।
यहाँ पढ़ाई कैसी होती है? यहाँ बहुत बढ़िया पढ़ाई होती है। किस क्लास में आप पढ़ते हो? आई स्टडी इन सेवन क्लास। अब बोलो। माय नेम इज अंकुश यादव, आई एम रीडिंग एट क्लास। माय स्कूल नेम बीसी हाई स्कूल। यहाँ पे पढ़ाई के बारे में बहुत अच्छी होती है। पिछले साल से यहाँ पे बहुत पढ़ाई अच्छी होती है और यहाँ पे प्रोग्रेस भी अच्छी है। और यहाँ इस स्कूल में आने के बाद में मैं बहुत वीकनेस को छोड़ के एकदम अच्छे से पढ़ने लगा हूँ। और इसके बाद में इस स्कूल में आने के बाद में मैं रीडिंग सब कुछ सीख चुका हूँ। सर आप अपना परिचय बताएं। सर मेरा नाम नरेंद्र सिंह राठौड़ है, मैं बीसीए हाई स्कूल के डायरेक्टर पद पर कार्यरत हूँ। ये बीसीए हाई स्कूल जमुना नगर मालिम की डाणी बिंदाइका में स्थित है। इस विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? इस विद्यालय की स्थापना 25 मार्च 2023 को हमने उसका उद्घाटन किया था और अभी 1 ईयर लगभग कम्प्लीट हो जाएगी। इस 1 ईयर में हमारे पास 100+ हमने हमारे स्टाफ ने, हमारे सभी टीचर्स ने, हमारे दोस्तों ने, अभिभावकों ने सबके सहयोग से 100+ स्टूडेंट हमारे पास अभी प्रेजेंट में स्थित है। देखा जाए कि आपने जैसे विद्यालय की स्थापना की और शुरू से और अब तक साल भर के अंतराल में कितने अंतर आया बच्चों के प्रति? सर बच्चों के प्रति की यदि बात करें तो बच्चे बहुत ग्रामीण एरिया ही और बच्चे बहुत यहाँ के वीक बच्चे थे, पेरेंट्स भी हो सकता है कम ध्यान दे रहे थे। और अभी 1 ईयर की 8-9 मंथ हो गया आज, इस टाइम में बच्चों में बहुत अच्छा सुधार आया है, चाहे वो खेल प्रतियोगिता हो, चाहे वो शिक्षा से जुड़ा हुआ हो या सांस्कृतिक प्रोग्राम हो, हर क्षेत्र में बच्चे ने अपनी उन्नति और प्रगति हुई है बच्चे की। अभिभावकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे बच्चों के प्रति? अभिभावकों को ये संदेश है कि हमारा स्टाफ, हमारे सभी टीचर्स, हमारे सब मेरे सहयोगी सभी ये अच्छी मेहनत कर रहे हैं बच्चों के प्रति, हर प्रोग्राम में, शिक्षा से प्रोग्राम में या खेलकूद में, हर में टीचर्स अच्छी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभिभावकों के अपने बच्चों को पास में लेके उनको बैठना होगा और उनसे चर्चा करनी होगी। बच्चों से 1 घंटा हर पेरेंट्स को यही संदेश है कि अपने बच्चों के पास लगभग 1 घंटा तो बच्चों के पास बैठ के उनकी मन की बात जरूर सुनें।